गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग आपको पता ही है कि डेली एंजल गाइडेंस हम करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस, डेली एंजल गाइडेंस आज के लिए। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। चलो देखते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। चलो कार्ड्स निकालते हैं। सेकेंड एंड लास्ट, चलो लास्ट कार्ड, ठीक है। सो इसको मैं हटा देती हूँ, इनको हटा देंगे हम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है बॉटम ऑफ द डेक। टू ऑफ एरियल, सो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है। जिससे कि काफ़ी कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि लगातार बैलेंस बना रहे हो, लगातार लगातार, लेकिन क्या हो रहा है चीज़ें यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि फिर यहाँ पे वही हो रहा है कि बैलेंस नहीं बन पा रहे आपका। दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो, दो लोगों में कन्फ्यूज़ हो, अपनी लव लाइफ में आई थिंक कन्फ्यूज़ हो। आप डिसीज़न भी कहीं ना कहीं लेना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। आपके पार्टनर भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने की वजह से वो भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है, और इसके साथ ही दिखता है जैसे कि फाइनेंशियली भी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे यही एंजल गाइडेंस कही जा रही है कि एक से ज़्यादा चीज़ें मत करो, ठीक है। जो कर सकते हो वही करो, एक ही चीज़ करो, लेकिन वो करो जो आप सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, है ना, तो बैलेंस नहीं बन पाता, है ना। तो एक आदमी एक ही वर्क करे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 10 जगह दिमाग लगाओगे तो फिर ना इधर के हो पाओगे ना उधर के हो पाओगे, यानी ना ये काम सही हो पाएगा ना वो काम सही हो पाएगा। सो यही है, यही कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई एक काम करो, ठीक है, जिसको करने की ज़रूरत है और जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, और ज़िंदगी में बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। कन्फ्यूज़न को दूर करो। नाइन ऑफ माइक, ओके। फाइव ऑफ गैब्रियल और नाइट ऑफ एरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने लव लाइफ को, अपनी फाइनेंस, अपनी हेल्थ, ठीक है, उसको लेकर के ही बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको रात को नींद नहीं आ रही अच्छे से, सो नहीं पाते हो, बेचैनी होती है, और मन एकदम से कंट्रोल में नहीं होता है। मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ यही है, दिख रहा है जैसे कि आप किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत बहुत बहुत, ठीक। और बहुत ज़्यादा टेंशन में होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ठीक। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ब्रेकअप भी हुआ है कुछ लोगों का, ठीक है, ब्रेकअप के दौर से भी गुजर रहे हैं, और ब्रेकअप की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत
तकलीफ भी हो रही है। आई थिंक आपके पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो लव लाइफ में, ठीक, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, इसी वजह से आप रो रहे हो, तकलीफ में हो, ठीक। तो यहाँ पे कार्ड से यही कह रहे हैं कि देखो, जो ज़रूरत नहीं है उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, उसको रिलीज़ करो, जो हो गया सो हो गया। अब उसको लेकर के अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो और उसी की टेंशन में बैठे हो, मत करो, ठीक। यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसे करोगे तो फिर आपकी तकलीफ़ कम नहीं होने वाली है और तकलीफ़ बढ़ेगी। तकलीफ़ को आपको कम करना है या फिर बढ़ाना है, आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बेकार की टेंशन मत लो, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक। यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि लव लाइफ की बात है अगर, तो फैमिली प्रॉब्लम है यहाँ पे, फैमिली इश्यूज़ हैं जो कि बार 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 जो है आप कोशिश करते हो कि सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाती है। प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती है, चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाती है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो आप करना चाहते हो, ठीक। यहाँ पे ड्रामा हो जाता है, ड्रामा क्रिएट हो जाता है आपका, ठीक। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो आप, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, बस पेशेंस रखो आप, ठीक। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपके पर्सन इन और आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया है ना, तो होता है, लेकिन ये मत करो, ठीक। पेशेंस रखो अपने अंदर और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कार्ड्स यही बता रहे हैं। यहाँ पे और भी कार्ड बता रहे हैं, लास्ट कार्ड नाइट ऑफ एरियल का कार्ड मुझे बता रहे हैं कि देखो, ट्रस्ट करो ईश्वर के ऊपर, ठीक है, मुस्कुराओ ज़िंदगी में, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्द देने वाले तो हर कोई मिल जाएंगे, हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, आपको खुशियाँ देने वाले बहुत कम मिलते हैं, गम देने वाले तो हज़ार मिलेंगे, खुशियाँ देने वाला कोई एक मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि खुशियों को चुनो, ठीक, गम हुआ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अब से फिर से ज़िंदगी को स्टार्ट करो, और ज़िंदगी कुछ ऐसे स्टार्ट करना कि आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसी हो जो वो देखे सो कहे कि हाँ, उसकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, और उसकी लाइफ इतनी खूबसूरत है, उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि हर कोई उतना खूबसूरत रहे, उतनी खूबसूरत ज़िंदगी अपनी बनाए, ठीक है। तो आपको अपना फ्यूचर खुद से बनाना होगा, ठीक। तो ये लव के प्रॉब्लम में फंस करके अपना करियर बर्बाद ना करें, उनके लिए बेहतर होगा, ठीक है। जो लोग करियर के लिए परेशान हैं, उनकी भी लाइफ में बहुत सारा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक, और अपने करियर के प्रॉब्लम की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि देखो, थोड़ा सा इस जो भी जॉब या फिर जो भी करियर में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, ठीक है। तो जीत आसानी से नहीं मिलती है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो वही मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, निराश होने के बजाय। सो करो, चलो फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। जिनको भी ब्रेसलेट वगैरह जो भी लेना है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। चलो, बाय बाय।